गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 37 ऑफ माई वेट लॉस जर्नी एंड 75 हार्ट चैलेंज एंड आई एम हैविंग माई मॉर्निंग ड्रिंक हनी लेमन कॉफ़ी ड्रिंक। मैंने आज हनी डाल लिया क्योंकि रोज़ रोज़ मीठे की क्रेविंग होती है। आई थॉट थोड़ा सा हनी डालने में नो हार्म, क्या कहते हो? बस यही था आज की दिन की शुरुआत, तो मैं इसी से ही कर रही हूँ। देन आई विल मीट यू गाइस। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, जैगरी टी, मल्टीग्रेन ब्रेड एंड माय फेवरेट बॉइल्ड एग। हे गाइस, तो अभी 3 बजे हैं और मैंने सोचा आज मैं अपना वर्कआउट दिन में ही कर लूं, क्योंकि इवनिंग में एक तो हमें मंडी जाना है, दूसरा आज छठ का है कुछ यहाँ पे प्रोग्राम शाम को होता है, तो आई डोंट वांट टू मिस दैट। सो अब मैं मॉर्निंग में ही करी वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। करते हैं स्किन केयर। सबसे पहले मैं लगाती हूँ टोनर, और टोनर की जगह मैं रोज़ वाटर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। ये वाला रोज़ वाटर मैंने स्मिटन से लिया था। इसको पहले स्किन पे, इससे क्या आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं। सीरम, मैं गार्नियर का विटामिन सी फेस सीरम यूज़ करती हूँ, और ये मैं 1 साल हो गया मुझे जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी फोर्थ बॉटल है। अमेज़ॉन से मिल जाता है ये 50 ml का, 500 समथिंग में मिल जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो। ऐसे ड्रॉप ड्रॉप हर जगह लेकर देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। इसको अच्छे से ऐसे मॉइस्चराइज़र, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसकी भी मैंने शॉर्ट्स डाली थी। इसको बस थोड़ा सा लेना है, आई टेल यू व्हाई, इतना सा, क्योंकि इसको ब्लेंड करने में बहुत टाइम लग जाता है। लाइक देखो, मैंने थोड़ा सा लिया अगर मैं पूरा फेस पे जहाँ जहाँ मुझे मॉइस्चराइज करना है वहाँ लगा लेती हूँ। नेक को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको जब आप ऐसे करोगे ना पूरा ये वाइट वाइट, अगर आप ज़्यादा ले लोगे ना आपको 2 घंटे लग जाएंगे इसको ब्लेंड करने में। अगर आपको दिख रहा है कैमरे में कि पूरा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे आपकी पूरी स्किन वाइट वाइट हो जाएगी, क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आप फेशियल क्रीम लेते हो ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ क्योंकि गंदा होने का चांस होता है। इसमें मैं मसाज करती हूँ फेस की, फिफ्टीन टाइम्स, लाइक 15 टाइम्स यहाँ, 15 टाइम्स इधर, और फिर आँखों के पास ये छोटा वाला साइड 15 टाइम्स आँखों के ऊपर, फोरहेड पे, नोज एरिया से लेकर फोरहेड तक, फिर इस साइड भी कर लेते हैं। डॉक्टर जे डॉलर बारियाती लिप्स की ये है,
कैंडी मेल्ट प्लम की वीगन लिप बाम। देखो कितनी टिंटेड से लग रही है। हे गाइस, दिस इज माय लंच, राइस, दाल, और आज मैंने पत्ता आलू गोभी की सब्जी बनाई है और इसमें मटर भी है, और ये रात की एक रागी की रोटी बची हुई थी तो मैं वही खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी कर लिया है लंच, तो मैंने सोचा आपसे बात करते करते आज लंच किया जाए। और अभी यहाँ पर सोसाइटी में ढोल वगैरह बजने की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि आज मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ छठ की पूरी तैयारी हो रही है, घाट बना हुआ है, तो आज छठ होगा। यहाँ पे सूर्यास्त के टाइम पे होता है और आज तो सूर्यास्त तो जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं रेडी हुई और मैंने सोचा आपसे अपना स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर दूँ। आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कि मैं अगर ऐसा कुछ स्पेशल हुआ वहाँ पर आपको पक्का दिखाऊंगी। तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस हो गई हूँ तैयार, हम लोग जा रहे हैं नीचे देखने कि क्या है वहाँ पर प्रोग्राम। लेट मी शो यू माई होल लुक। सो दिस इज माई लुक। ये इयररिंग्स याद है आपको, यहीं से लिए थे उत्सव मेला से। आई रियली लव कुर्ती के साथ मुझे इस तरह के इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है। एक्चुअली थोड़ा इंडियन टच, इंडो वेस्टर्न टच आ जाता है जीन्स। ये बोल रहे थे साड़ी पहनो, छठ पर्व है। तो गाइस आपको पता है ना साड़ी को रेडी करवाने में कितना टाइम लगता है, पहले उसका ब्लाउज का डिजाइन सोचो, फिर उससे ज्वेलरी, बहुत टाइम हो गया था। अगर रेडी टू वियर साड़ी हो तब अलग बात है। तो चलते हैं, भी पता चले बात करते करते प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया। तो हम नीचे आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रोग्राम हो रही है। उसी में होगा। अरे पार्टनर, इसको भेजना जरा ये ड्राइवर साहब को। तो अभी आई थिंक रेडी हो रहा है। वायुसेना की सूर्य किरण के नाम थी क्या शाम सूर्य कुमार के नाम होगी। सूर्य कुमार यादव उम्मीद की किरण क्या बनेंगे मैदान पे। सफल ओवर हेजलवुड का 178/5। ओल्ड जनरेशन क्रिकेट जेंटलमैन के, न्यू जनरेशन क्रिकेट बैड बॉयज के, दोनों के अलग है रंग, मगर स्वाद का एक है रंग, कमला पसंद है अनोखा स्वाद। देखा गाइस यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने बनाया गया है। आपको सूरज दिख रहा है क्या? ये माजी को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे होता है छठ। लेट मी शो यू पूरा पार्क, कल रात को दिखाया था, अब दिन में आपको दिखाती हूँ।
ये देखो गाइस, यहाँ पर सब लोग एकदम मैसे रेडी होके आए हैं शादी की तरह गाइस। का जो प्रोग्राम होगा वो होगा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो उसके तो चांसेस लग नहीं रहे, बट आई विल ट्राई कि आपको शो कर सकूं और जल्दी उठ सकूं। और उठ गई तो भाई मज़े हैं, आपको दिखाई दूंगी क्या क्या होता है। तो देखा गाइस, इन्होंने मैच का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। अभी हम लोग जा रहे हैं मामी के यहाँ और आपको दिखाती हूँ वहाँ पर हमने क्या किया। देखो ढोल कैसे बज रहे, हर जगह मैच मैच मैच। हम पास वाली ही मंडी में जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के पास में लगती है और ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मामी के घर से सीधे मंडी जा रहे हैं। वहाँ पर इतनी धूल है, ये वही मंडी है जहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। गाइस, दिस इज माय इवनिंग स्नैक्स, ग्रीन टी। और आज मंडी में बहुत कुछ मिल रहा था तो हमने वहाँ से नारियल और ये मूंगफली ले ली। आज मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो वहाँ पे फ्राई हुई हवाई ही ले ली। सो आते आते हमको बज गए 7:30। तो ये है हमारा आज का डिनर, सुबह की पत्ता गोभी आलू की सब्जी एंड चपातीज। सो आज तो बहुत थक गए, वैसे अभी 8:40 हुए हैं और आज हम डिनर टाइम से कर रहे हैं, लेकिन सुबह का पता नहीं हम सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। अगर उठ पाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पर छठ पर्व कैसे होता है। और या ये था मेरा डे 37 और अभी तक आपने मेरे 36 डेज की व्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ प्लेलिस्ट लगा दूंगी, देखना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून, बाय बाय।